नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ ट्रैक्टर में प्रयोग होने वाले डिस्क ब्रेक, ड्राइव ड्राइव डिस्क ब्रेक कैसे काम करते हैं, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनकी जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा। हमारे पास एक स्वराज ट्रैक्टर है और स्वराज ट्रैक्टर में जो है वो ड्राइव टाइप के डिस्क ब्रेक हम लोग यूज करते हैं। तो देखते हैं इसके प्रमुख कंपोनेंट्स कैसे होते हैं और कैसे हम जब ब्रेक पेडल को दबाते हैं तो कौन कौन सी मैकेनिकल लिंकेज होती है जिसकी सहायता से हमारे ब्रेक काम करते हैं और कहां पर ये लगे होते हैं, कौन सी शाफ्ट के ऊपर लगे होते हैं, एक्सल कैसे रुकता है, पहिया कैसे रुकता है, आज उनकी सबकी जानकारी मैं यहां पर दूंगा और हम लोग उसको खोलकर भी देखेंगे कि इसके अंदर कैसे वर्किंग प्रोसेस होता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम इसके बेसिक कंपोनेंट देखते हैं। और ये देखिए ट्रैक्टरों में अधिकतर दो ब्रेक पेडल होते हैं, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए। तो ये हमारे ब्रेक पेडल कहलाते हैं। ब्रेक पेडलों को लॉक करने के लिए ब्रेक पेडल लिंकेज होती है और कुछ ट्रैक्टरों में पार्किंग ब्रेक के लिए भी हम लोग इन ब्रेक पेडलों का यूज करते हैं। यहाँ पर एक कट दिख रहा होगा, ऐसे दांते दिख रहे होंगे और ये लॉक दिख रहे होंगे, इससे हम लोग पार्किंग ब्रेक यूज करते हैं। ब्रेक पेडल है, ब्रेक पेडल के बाद ये इसका पूरा मैकेनिकल लिंकेज है। इन ब्रेक पेडल को रिटर्न करने के लिए रिटर्न लाइन स्प्रिंग का हम लोग यूज करते हैं। दो पेडल है तो दो रिटर्न लाइन इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, रिटर्न स्प्रिंग जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये सारी मैकेनिकल लिंकेज है। इन मैकेनिकल लिंकेज की सहायता से ही यहाँ से एडजस्ट करके हम लोग ब्रेक पेडल की फ्री प्ले एडजस्ट करते हैं, कम या ज्यादा। इनकी लिंकेज को बढ़ा के, इसकी लंबाई को बढ़ा के कम या ज्यादा हम लोग करते हैं। ये हमारी कहलाती है ब्रेक हाउसिंग। ये सारी सारी ब्रेक हाउसिंग है। अगर आप यहाँ ऊपर से देखें, ये हमारी ब्रेक हाउसिंग है और ये कट मॉडल यहाँ पर है। ये डिस्क टाइप के ब्रेक यहाँ पर लगे हुए हैं। ये पूरा ब्रेक हाउसिंग है, ब्रेक हाउसिंग के अंदर ही होता है और जहाँ ब्रेक हाउसिंग लगी होती है वहीं पर इसको पिनियन शाफ्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। ये पिनियन शाफ्ट होती है और इस पिनियन शाफ्ट के ऊपर ही हम लोग देखें आगे। देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा टार्च जला के दिखाता हूँ। तो ये दिख रहा है, ये देखिए, ये है पिनियन, पिनियन शाफ्ट या हाफ शाफ्ट, ये दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पिनियन शाफ्ट या हाफ शाफ्ट। ये हमारा डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल के सन गियर से ये बाहर की तरफ निकलती है और यहाँ पर आके इसके पिछले वाले हिस्से पे, इस हाउसिंग में हमारा पूरा ब्रेक असेंबली लगी होती है। ये दो हमारी डिस्क होती है, ब्रेक डिस्क होती है और ये मुख्य भाग है, इसको बोलते हैं एचुटिंग प्लेट। ये एचुटिंग प्लेट जब फैलती है अंदर से बाहर की तरफ तो दोनों डिस्क, दोनों साइड की डिस्कों कवर से जुड़ती है और उससे फ्रिक्शन पैदा होता है और ये हमारी पिनियन शाफ्ट है वह रुक जाती है। पिनियन शाफ्ट यहाँ अगर हम लोग देखें, हाफ एक्सल या पिनियन शाफ्ट, इस पर दांते बने हुए हैं, ये जाके यहाँ के अंदर की तरफ, हाँ थोड़ा अंदर दिखाइए, हाँ जाने जाएंगे आराम से, आराम से, हाँ नहीं अभी नहीं, इस साइड दिखाइए, हाँ हाँ थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं। ये देखिए, ये हाफ एक्सल का है एक्सल और ये बुल गियर है। जब पिनियन शाफ्ट या हाफ एक्सल घूमता है तो हमारा बुल गियर घूमता है, बुल गियर से हमारा एक्सल जुड़ा होता है। ये देखिए, ये एक्सल है, सारा का सारा एक्सल है और एक्सल के आगे आखिरी वाले हिस्से पर अगर हम लोग देखें तो इस तरह का पहिया लगा होता है। ये देखिए, दोनों साइड पहिए लगे होते हैं। तो जैसे ही, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना, ये देखो, ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये पूरा पूरा ब्रेक हाउसिंग है। अब ये वर्किंग कैसे करती है, हम इसे ट्रैक्टर चालू करते हैं और फिर देखते हैं कैसे काम करती है। जैसे हम लोग ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर आप देखिएगा, है ना, ये देखिए क्राउन घूम रहा है, क्राउन के साथ पिनियन घूम रही है ना, पिनियन के साथ हाफ एक्सल शाफ्ट घूम रही है और हाफ एक्सल के साथ ब्रेक हाउसिंग में लगी हुई दोनों डिस्क घूम रही है, क्योंकि डिस्क के अंदर स्प्लाइंस बने होते हैं जो शाफ्ट से जुड़े होते हैं। अगर हम लोग देखें, और ये हमारी एचुटिंग प्लेट है, ड्राई ड्राइव डिस्क ब्रेक में हमेशा एचुटिंग प्लेट जो रहती है वो फिक्स रहती है और हमारी जो दोनों साइड की डिस्क है ये डिस्क हमेशा घूमती रहती है। अब जब हम इसको ब्रेक पेडल को अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो ब्रेक पेडल है, हम जब ब्रेक पेडल को अप्लाई करते हैं, यहाँ ब्रेक पेडल जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो एचुटिंग प्लेट है वो अंदर से बाहर की तरफ फैलेगी, फैल रही है, देखिए, ये देखिए, जैसे ही ब्रेक पेडल अप्लाई कर रहा हूँ तो अंदर से बाहर की तरफ फैल रही है। जैसे ही अंदर की तरफ, बाहर की तरफ फैल रही है तो हमारा जो पहिया घूम रहा था, हमारा जो पहिया घूम रहा था वो रुक जाता है। देखिए ये पहिया घूम रहा है, अभी जैसे ही मैं ब्रेक अप्लाई करूँगा तो रुक जाएगा,
इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब डिस्क रोटेट होती है तो फिक्सन प्लेट, ये वाली डिस्क इस प्लेट से और ये वाली प्लेट इस प्लेट से क्या होगी, जाके जुड़ जाएगी। तो चार साइड से, चार जगह से एक साथ फिक्सन होगा, दो एचुटिंग प्लेट से और दो हाउजिंग की प्रेशर प्लेट से। और जैसे ही हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं तो ये देखिए इस तरह ये फैलेगी और ये लग जाएगा। इस तरह डिस्क यहाँ पर काम करती है। अब एचुटिंग प्लेट कैसे वर्किंग करती है उसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये सारा का सारा एचुटिंग प्लेट उस हाउजिंग के अंदर से हम लोगों ने बाहर निकाला। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, है ना, दो डिक्स लगी हुई है बाहर, है ना, ये डिक्स लाइनिंग है, ये डिक्स पूरा दिख रहा है आपको। इसके अंदर स्प्लाइन बने हुए हैं, इस स्प्लाइन के अंदर ही क्या होती है हमारी पिनियन साफ जाके जुड़ जाती है इस खांचों में। और ये कहलाती है ब्रेक लाइनिंग, सारी ब्रेक लाइनिंग है, ये ब्रेक डिक्स है। ब्रेक लाइनिंग जो रहती है वो दो मटेरियल की यूज़ करते हैं, अधिकतर एस्बेस्टोस की यूज़ करते हैं, सिरेमिक के यूज़ करते हैं। ये रिबिटिंग कहलाती है और ये एचुटिंग प्लेट है। अब एचुटिंग प्लेट को जब हम लोग खोलेंगे तो इसके अंदर हमें स्टील वाल दिखाएंगे। वो स्टील वाल क्या करते हैं, एचुटिंग प्लेट, ये आपकी रिटर्न लाइन दिख रहा है, रिटर्न स्प्रिंग है, रिटर्नर स्प्रिंग है, तीन रिटर्नर स्प्रिंग है। अब हम इसे पूरा का पूरा क्या करते हैं, डिसमेंटल करते हैं यहाँ से। तो नोच प्लायर की सहायता से हम लोग इन स्प्रिंगों को बाहर की तरफ निकालेंगे। ये देखिए, थोड़ा टाइट, ये देखिए, चलिए कोई बात नहीं, एक बार चलो, ये देखिए, ये इस पर स्प्रिंग निकली, हम तीनों स्प्रिंग को निकाल लेंगे, ठीक है, रेडी। ये देखिए, इस तरह एचुटिंग प्लेट को हमने खोला। अब एचुटिंग प्लेट को खोलते हैं तो इसमें देखिए स्टील वाल निकलते हैं इस तरह का, ये स्टील वाल है हमारे। स्टील वाल जिस स्लॉट में रहते हैं ये असेंट्रिक कैम के, असेंट्रिक लोब कहलाते हैं, ये असेंट्रिक हैं, एक ओविलिटी टाइप के हैं। ओविलिट मतलब, ओविलिटी का मतलब होता है ज़्यादा से कम की ओर, अंडे के आकार में ओविलिटी है। तो इसके ज़्यादा वाले भाग पर क्या होते हैं हमारे स्टील वाल रखे होते हैं ऐसे। और जैसे ही हम लोग ब्रेक पेडल को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एचुटिंग प्लेट का भाग इसके ऊपर जब मूव करता है तो ये ज़्यादा से कम की जगह आते हैं ऐसे, दिख रहे हो, मैं अभी करके बताऊंगा आपको। इस तरह ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो एचुटिंग प्लेट फैल जाती है। अब देखते हैं हम लोग कैसे, ये देखिए, तो ये देखिए फैल रही है। अगर आपको यहाँ से दिख रहा हो ना, तो आप देखिए जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो ये अपने स्थान से उठते हैं, मतलब जो स्टील के वाल थे वो ज़्यादा वाले स्थान से कम स्थान पर आते हैं, कम स्थान पर आते हैं। तो एक प्रेशर प्लेट ये हो गई इस तरह, तो एक घर्षण यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा। जैसे ही हम लोग ब्रेक पेडल को छोड़ते हैं तो ये वापस रिटर्न स्प्रिंग की सहायता से और ब्रेक पेडल पर लगे हुए रिटर्न स्प्रिंग की सहायता से अपने स्थान पर आ जाते हैं। इस तरह ये ब्रेक अप्लाई काम करते हैं। और हम एक चीज़ और देखते हैं, आइए, अब होता है ब्रेक पेडल की फ्री प्ले। तो ब्रेक पेडल की फ्री प्ले यहाँ पर ली जाती है, हम ब्रेक पेडल से अगर फ्री देखें तो 12 से 15 mm होती है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम लोग देखें जो फ्री प्ले यहाँ पर हम लोग दर्शा रहे हैं वो फ्री प्ले यहाँ पर हमें दिखाई जाती है कि जो हमारी जो डिक्स लगी हुई है, ये दिख रही है ना, डिक्स जो है, डिक्स और एक हाउजिंग, ब्रेक हाउजिंग के बीच में यहाँ कितना गैप है, ये गैप, ये फ्री प्ले कहलाता है। ये इसके साथ जुड़ा नहीं होना चाहिए, अगर जुड़ा होगा तो ब्रेक हमारे गर्म होंगे, मतलब क्लियरेंस कम है। ये हमेशा अगर ज़्यादा दूर रहा तो हम ब्रेक फुल एप पेडल को दबाने के बाद भी ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ेगा नहीं और हमारा ब्रेक काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए, जो कंपनी रिक्वायरमेंट करती है वो आपको ब्रेक पर लगाना है। अब एक बार और देखते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से कैसे चलता है। ये देखिए, ब्रेक पेडल यहाँ से होता हुआ, ये देखिए कंटिन्यू जा रहा है और ये आखिरी हमारा पहिया घूम रहा है, मैं बैठता हूँ ना, ये देखिए जैसे ही ब्रेक पेडल अप्लाई करता हूँ तो ब्रेक हमारा काम करना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।